बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। लास्ट टाइम हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर लिया था। जो आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 से, वो था मिरर इक्वेशन। 1/f = 1/p + 1/q। इस इक्वेशन को हम मिरर इक्वेशन कहते हैं और इसकी डेरीवेशन की थी। इंपॉर्टेंट डेरीवेशन होती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लिहाजा उस डेरिवेशन की वीडियो को, उस डेरिवेशन की प्रैक्टिस बार बार करिएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती है। चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया था। उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स जो अब हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। होते दोनों एक ही तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, लिहाजा हम चैप्टर नंबर 14 में ही डिस्कस कर लेंगे न्यूमेरिकल्स को, तो वो 14 और 13 दोनों की बात हो जाती है। अब हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14। इसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बताया था जब चैप्टर 13 स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि अब हम फिजिक्स में लाइट एनर्जी को डिस्कस करेंगे। लाइट एनर्जी बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत कुछ पढ़ने वाली चीज़ होती है लाइट के अंदर। लिहाजा आपकी मैट्रिक के फिजिक्स की बुक में इस लाइट को 3 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 13, 14 और 15। चैप्टर 13 में आप लाइट का खाली एक फिनोमेना पढ़ते हैं जिसको आप कहते हो रिफ्लेक्शन। चैप्टर 14 में आप लाइट का दूसरा फिनोमेना पढ़ोगे जिसको आप कहते हो रिफ्रैक्शन। और चैप्टर नंबर 15 में आप लाइट का नेचर देखेंगे कि लाइट क्या होती है, और एक और फिनोमेना पढ़ेंगे जिसको आप कहते हो डिस्पर्जन। तो यूँ हम 3 चैप्टर्स के अंदर लाइट के कुछ कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये तमाम टॉपिक्स नहीं है, अभी भी बहुत कुछ रह जाएगा जो आप इंशाल्लाह आगे की हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करोगे, ठीक है। अब ज़रा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 13 में जो हमने हासिल किया वो ज़रा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि लाइट जो है वो एक एनर्जी होती है, और ये जो है आपकी एनर्जी जो है जिस वेव के ज़रिए ट्रैवल करती है उसको आप कहते हो लाइट वेव। लाइट वेव की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो लाइट वेव जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी एक ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि सूरज के अंदर से जो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो लाइट वेव आसानी के साथ अर्थ तक कैरी कर लेती है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनकी स्पीड मैंने आपको बताया था 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। कायनात में सबसे ज़्यादा दौड़ने वाली स्पीड, सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो ये है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं जा सकता, तो ये लिमिट दी जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लाइट होती है इसका जो बिहेवियर है और ये बड़ा अजीब सा होता है, पजल टाइप का बिहेवियर होता है इसका। हम अगर किसी एक बॉल की मिसाल ले लें, तो आप एक बॉल को किसी भी सरफेस पे मारते हो तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, ठीक है। अब ये जो सरफेस है ये भले पॉलिश हो, भले अनपॉलिश हो, भले इस पे लाल कलर किया हुआ हो, भले इस पे ब्लू कलर किया हुआ हो, कुछ भी हो, इसका बिहेवियर बॉल का ऐसा ही होगा, ठीक है। ये यानी बॉल का जो बिहेवियर है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी बॉल किस सरफेस से टकरा दी है, लेकिन लाइट के साथ ऐसा मामला नहीं है। लाइट का जो बिहेवियर होगा वो डिपेंड करता है कि वो किस सरफेस से टकरा रही है। लाइट का बिहेवियर अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। अगर लाइट को आप एक ऐसे सरफेस पर हिट करते हो जिसका एक साइड कोटेड हुआ हुआ है, यानी आपने उस पर कोट चढ़ाई हुई है, कोई कोटेड साइड है आपने, और दूसरी साइड जो है वो इसकी पॉलिश की हुई है, आपने उसको चमकाया हुआ है, उसको शाइनी किया हुआ है, जैसे कि हमारे जो घरेलू मिरर होते हैं जिनमें हम अपनी शक्लों को देखते हैं, तो उस मिरर की अगर हम बात करें तो आप उस मिरर की बैक साइड को देखोगे तो वो आपको कोटेड नज़र आएगा, फ्रंट साइड को देखोगे तो वो बकायदा पॉलिश हुआ हुआ होता है, चमकदार होता है, शाइनी होता है, ठीक है। ये मिरर हो गए, इनको हम मिरर कहते हैं ऐसी सरफेसेस को जिनका वन साइड कोटेड होता है और अदर साइड जो है वो पॉलिश होता है। तो अगर मिरर से लाइट टकराती है तो हमने क्या बिहेवियर देखा कि लाइट जो है फिर उसी मीडियम में वापस मुड़ जाएगी, ठीक है जी। यानी इस मीडियम में थी, ये कौन सा है, हवा में से लाइट आ रही है, तो हवा है जी इसका मीडियम, तो लाइट हवा से आ रही थी, मिरर से टकराई, वापस हवा में मुड़ गई, बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। इस बिहेवियर को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। और रिफ्लेक्शन, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो किससे जुड़ा हुआ है, मिरर से।
यानी कि अगर आप लाइट को एक मिरर पर हिट करते हो तो लाइट क्या शो कर रही है, लाइट रिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। और मिरर क्या होता है कि आपकी वो सरफेस जिसका वन साइड कोटेड है और दी अदर साइड जो है वो पॉलिश है। अब उसके बाद अगर हम, ये तो हो गया जी एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको हम मिरर कह रहे हैं, लाइट उस पर क्या बिहेवियर शो कर रही है, रिफ्लेक्शन शो कर रही है। और रिफ्लेक्शन किसे कहते हो आप, लाइट का टकरा कर वापस मुड़ जाना, इसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आपके पास एक ब्राउन कलर का ऑब्जेक्ट है, ये एक ब्राउन कलर का ऑब्जेक्ट है, या चले इसको सिंपल कर लें जी ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है, यानी इसके इसकी कोई पॉलिश वाली सरफेस नहीं है, इसमें कोई कोटिंग नहीं है, इस पर मुकम्मल तौर पर इसका कलर है कि क्या ब्लू कलर। तो लाइट जब इस पर हिट करती है तो लाइट के साथ, लाइट के अंदर सात छोटी छोटी वेव्स होती हैं जो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सात छोटी छोटी वेव्स से मिलकर बनी हुई होती है, उन सात में से छः जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, खाली एक बच जाएगी, कौन सी, ब्लू कलर की, और वो ब्लू वाली जो है वो मुड़ जाएगी। ये अजीब बिहेवियर हो गया ना, अजीब बिहेवियर। अगर आप मिरर से टकरा रहे हो तो ये सातों की सातों मुड़ रही थी, अगर आप एक ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट से टकराते हो लाइट को तो उसमें से छः एब्जॉर्ब हो जाएंगी, एक रह जाएगी और वो मुड़ के आपकी तरफ आती है, जिसकी वजह से आपको ये जो है ब्लू नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर ये रेड होता है, ये ऑब्जेक्ट ब्लू नहीं होता, रेड होता, तो जो बच गई ना लाइट वो रेड कलर की होती है, और रेड कलर की लाइट आपकी तरफ आ रही होती है, आप उसको देखते तो आपको ये ऑब्जेक्ट लाल कलर का नजर आता है, तो अजीब बिहेवियर हो गया। इसी तरीके से अगर लाइट एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से टकराती है, अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया कि इसके अंदर कोई पॉलिश, कोई कलर नहीं है, ना कोई कलर हुआ हुआ है इस पर, ना कोई हमने कोटिंग कर रही हुई है, कुछ भी नहीं किया हुआ जी, हमने बिल्कुल साफ सुथरा पानी की तरह था, ट्रांसपेरेंट। ठीक है जी, कोई देख ले, मैंने इसकी कोई साइड कोट नहीं की। अब जब लाइट ऐसी सरफेस से टकराएगी तो लाइट मुड़ेगी नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट एंटर हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट के अंदर। इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये बड़ा अजीब बात है हमारे साथ लाइट की, इसके नेचर को हम अगले चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों है ऐसा, और भी बहुत सारे फिनोमिना हैं जो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, अगर मैं इसको समराइज करूँ अपनी इन सारी बातों को जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इतनी देर से, अगर मैं समराइज करूँ तो अभी तो खैर वो जो कलर वाली बात है उसको छोड़ देते हैं, इधर आ जाते हैं। अगर मैं समराइज करूँ तो मैं ये देखता हूँ कि अगर लाइट एक पॉलिश कोटेड सरफेस से टकरा रही है, जिसको आप क्या कहते हो, मिरर। ठीक है जी, मिरर कहते हो आप, जिसकी एक साइड कोट होती है, एक साइड पॉलिश होती है। ठीक है जी, ये ऊपर डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो लाइनें डाली हुई है ये कोटेड साइड है, और जो ऊपर लाइनें नहीं डाली हुई ये पॉलिश साइड है। तो लाइट अगर एक कोटेड पॉलिश सरफेस यानी कि मिरर से टकराती है तो लाइट उसी मीडियम में मुड़ रही है, जिस फिनोमेना को हमने कहा था रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, ये वाली बात, और इसको आप क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट एक ट्रांसपेरेंट सरफेस से टकराती है, ऐसी सरफेस जिसमें कोई कोटेड साइड ना हो, कोई कलर नहीं हुआ, वह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखने वाली, पानी हो गया, आपके जो लेंसेस होते हैं वो, तो अगर लाइट एक ट्रांसपेरेंट सरफेस से टकरा रही है तो फिर लाइट मुड़ती नहीं है, लाइट उसमें एंटर हो जाती है, इट विल एंटर इनटू द मीडियम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको आप रिफ्रैक्शन कहते हो। तो जब भी आपसे कहा जाए कि एक सरफेस है वो रिफ्लेक्शन शो कर रही है, आप समझ जाओ कि उससे लाइट टकरा के मुड़ रही है। अगर आपसे, अब जैसे इसको नीचे एक ज़रा देखते हैं, इस बात को थोड़ा सा और से इसको ज़रा क्लियरली कर लेते हैं, अगर हमसे कहा जाता है कि ये एक सरफेस है जी और इससे लाइट रिफ्लेक्शन शो कर रही है, क्या शो कर रही है, रिफ्लेक्शन, तो मैं क्या समझूंगा, मैं ये समझूंगा कि लाइट टकराई है और वापस मुड़ गई, और इस ये जो सरफेस है इसकी वन साइड जो है वो कोटेड है और अदर साइड जो है वो पॉलिश है, ये बातें मैं निकाल लूंगा। ये मिरर है, एक साइड इसकी कोट हुई हुई है, दूसरी साइड पॉलिश हुई हुई है, लाइट इससे टकरा रही है, वापस मुड़ रही है, क्यों, क्योंकि मुझे कहा गया था लाइट रिफ्लेक्शन शो कर रही है। और अगर मुझसे कहा जाता है एक सरफेस है जी आपके पास और लाइट उस पर रिफ्रैक्शन शो कर रही है, तो मैं क्या लूंगा जी, मैं ये लूंगा बात इसका कि जी ये लाइट इससे टकरा रही है और लाइट इसमें एंटर हो जाती है, लाइट जो है वो एंटर हो जाती है, और ये जो सरफेस हमारे पास है, ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये मुकम्मल तौर पर कहीं पर भी इस पर कोई कोटिंग नहीं हुई, कोई कलर नहीं है इसका, कोई कलर नहीं हुआ हुआ, कोई कोटिंग नहीं हुई थी,
वगैरह वगैरह, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो लेट समराइज इट, इस बात को समराइज करें अगर हम, तो क्या हो गया जी लाइट का बिहेवियर, कि अगर लाइट एक मिरर से टकराती है, मिरर से टकराती है यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें पॉलिश भी हुई हुई है, चमकाया हुआ है आपने उसको, शाइनी बनाया हुआ है, प्लस उसकी एक साइड को आपने कोटेड किया हुआ है, ठीक है जी, तो लाइट क्या बिहेवियर शो करेगी, लाइट रिफ्लेक्शन शो करेगी। और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है जी, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट जो है वो वापस बाउंस बैक हो जाएगी, वापस मुड़ जाएगी उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। ये तो होता है रिफ्लेक्शन। और अगर मुझसे कहा जाता है कि लाइट जो है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कोई कोटिंग नहीं हुई हुई, पॉलिश की भी हो, भले आपने उसकी शाइनिंग की भी हो, शाइनिंग की वजह से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई कलर नहीं है, उसमें कोई कोटिंग नहीं है, नो कोटिंग नो कलर, तो फिर हम कहेंगे कि लाइट उसके अंदर क्या बिहेवियर शो करेगी, लाइट उसके अंदर रिफ्रैक्शन शो करेगी। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट जो है वो एंटर हो जाएगी उस मीडियम के अंदर, एंटर इनटू द मीडियम। ये होता है जी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बाकी तीसरा जो डिस्कस किया था हमने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे कलर हुआ हुआ है, पॉलिश कोटिंग नहीं हुई हुई, हमने कलर किया हुआ है, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पर आपने ब्लू कलर किया हुआ है या किसी ऑब्जेक्ट पर आपने रेड कलर किया हुआ है, तो ये कोटिंग नहीं है, ये तो कलर हुआ हुआ है। तो अगर कलरिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो लाइट टकराती है, तो मैंने आपको बताया कि पार्ट ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, पार्ट ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है वो आपको कलर नज़र आ रहा होता है। अगर आपने एक ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है तो उस पर क्या होगा जी कि छह लाइट की जो छोटी वेव्स होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, एक रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो ये तो हमने कंपैरिजन किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर एक मिरर से लाइट टकराएगी तो लाइट जो है वापस उसी मीडियम में मुड़ जाती है, वापस बाउंस बैक हो जाती है, इसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो। और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो लाइट उसके अंदर एंटर हो जाती है। अब हम आते हैं ज़रा डिटेल के अंदर, रिफ्रैक्शन को समझते हैं, ठीक है जी। अब हम ज़रा डिटेल में, अब हम खाली रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, ये तो मैं आपको कंपेयर कर रहा था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है जी, पहली बात, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, एक लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से टकराती है तो लाइट का बिहेवियर क्या होगा, लाइट जो है वो एंटर हो जाती है, एंटर इनटू द मीडियम, लाइट उसी मीडियम में वापस एंटर हो जाएगी। एक मिनट रुकिएगा जरा, मेरे कॉल आ रही है। तो अब हम जो है वो रिफ्लेक्शन को जरा डिटेल में देखते हैं। सपोज करें जी ये मेरे पास एक ग्लास है, एक ग्लास है, मतलब जैसे कि कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे आपके शीशों के जो ग्लासेस होते हैं ना जिनमें से आर पार दिखता है, ये ग्लास है, ये मेरे पास ग्लास, हम जानते हैं जी ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है इसकी कोई साइड भी जो है वो कोटेड नहीं है, मुकम्मल तौर पर ना कोई इसी साइड पर हमने कलर किया हुआ है, ना हमने किसी साइड पर कोटिंग चढ़ाई। अब हम जरा समझते हैं रिफ्रैक्शन को डिटेल के अंदर, ठीक है जी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कंपैरिजन तो कर लिया हमने, अब हम जरा रिफ्रैक्शन को डिटेल में समझते हैं। अब ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ये क्या है जी, एक ग्लास स्लैब है, यानी कि एक ग्लास शीशे का टुकड़ा है। और ग्लास जब हम कहते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट है यानी इसमें कोई कलर नहीं हुआ हुआ, कोई कोटिंग नहीं चढ़ी हुई। अब लाइट इस पर आई, ये लाइट आएगी और इससे टकराई। अब हमने अभी ऊपर पढ़ा है रिफ्रैक्शन, कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो लाइट क्या होगी जी, लाइट उस ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर हो जाती है, तो लाइट जो है अब वो क्या होगी, एंटर हो जाएगी, एंटर इनटू द मीडियम, दूसरे मीडियम में, क्योंकि ऊपर जो है आपके पास हवा है जी, ग्लास से बाहर क्या है, हवा, जो एक अलग मीडियम होता है, ग्लास एक अलग मीडियम है, तो लाइट जो है अब एंटर हो जाएगी इनटू डिफरेंट मीडियम, एक दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होने जा रही है, इनटू डिफरेंट मीडियम, ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ग्लास एक मीडियम होता है, सॉलिड है, और बाहर क्या है, हवा, जो कि एक अलग मीडियम है, एयर, गैस, ठीक है, दो अलग अलग मीडियम हो गए, एयर और ग्लास। अब जब लाइट इससे टकराई तो हम जानते हैं ग्लास स्लैब जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कोटिंग कोई कलर नहीं हुआ हुआ होता, ऐसी सिचुएशन में लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन शो करेगी, लाइट एंटर हो जाती है।
अब लाइट एंटर हो रही है, लेकिन ऐसे एंटर हो जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, हल्के से भारी मीडियम में जा रही है, ऐसे एंटर हो जाएगी? नहीं, जब ये एंटर होगी तो इसकी वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन दोनों में फर्क पड़ता है, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन दोनों में चेंजेस आएंगी, दोनों के अंदर तब्दीलियां आएंगी लाइट की। ठीक है जी, लाइट जब हवा से ग्लास में एंटर होगी ना, तो थोड़ी सी तब्दीली आएगी इसकी रफ्तार में भी और इसकी डायरेक्शन में भी, दोनों चेंज होती हैं, वेलोसिटी भी चेंज होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी। कैसे जी, क्या ट्रेंड देखा जाता है इसका, ये नोट करिएगा जरा। अगर लाइट जो है वो एक हल्के से रेरर से एक डेंसर मीडियम में एंटर होती है, रेरर का मतलब होता है हल्का, डेंसर का मतलब होता है भारी, लाइट जब एक हल्के से भारी मीडियम में एंटर होगी तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। और इसी तरीके से अगर लाइट एक भारी मीडियम से एक हल्के मीडियम में जाएगी, फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तो फिर वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये तो हो गया वेलोसिटी की तब्दीली का ट्रेंड। लाइट जब एक भारी मीडियम से एक हल्के मीडियम से भारी मीडियम में आएगी तो लाइट की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है, और लाइट जब एक भारी मीडियम से हल्के मीडियम में आएगी तो लाइट की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा। तो अब हवा और ग्लास की बात करें तो हवा जो होता है वो हल्का होता है निस्बतन ग्लास के, तो हवा हो गया एक रेरर मीडियम और ग्लास जो है वो एक हो गया डेंसर मीडियम, क्योंकि ग्लास भारी होते हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड है जी, भारी होता है, हवा जो है गैस है, हल्की है। तो आप देख रहे हैं लाइट जो है वो भारी से हल्के की तरफ आ रही है, फ्रॉम रेरर टू डेंसर, ऊपर वाली बात, रेरर टू डेंसर, तो वेलोसिटी क्या होगी लाइट की, कम हो जाएगी। लाइट की जो वेलोसिटी है, जैसी लाइट एंटर होगी ना इस ग्लास के अंदर, तो इसकी रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये तो हो गई वेलोसिटी की बात। इसी तरीके से जब लाइट जो है यहाँ से यहाँ आएगी, तो ये डेंसर है, ये रेरर है, तो फिर लाइट की रफ्तार बढ़ जाती है। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं डायरेक्शन के ट्रेंड को देखेंगे। डायरेक्शन का मामला क्या होता है, जब लाइट हल्के से भारी मीडियम में यानी कि रेरर से डेंसर में एंटर हो रही होती है, तो लाइट जो है वो बैंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल जो होती है उसकी तरफ मुड़ेगी। ये अगर नॉर्मल है, लाइट ऐसे जा रही है, तो लाइट इस तरफ मुड़ेगी नॉर्मल की तरफ, यानी ऐसे हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। और अगर लाइट जो है वो डेंसर से रेरर मीडियम यानी भारी से हल्के मीडियम की तरफ आ रही होती है, तो फिर जो है वो बैंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगी वो, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जरा बिहेवियर नोट कर लें, अब हम जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक नई डायग्राम बनाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे फिर लंबी लेके जानी पड़ेगी। ये एक डायग्राम, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये क्या है, एक ग्लास स्लैब है, इर्द गिर्द क्या है, हवा, ये सब क्या है, हवा। अब ग्लास सॉलिड होता है, मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, इसका मास ज़्यादा होता है, ये डेंसर है, ये क्या है, एक डेंसर मीडियम, भारी, जबकि हवा जो होती है गैस होती है, इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये एक हल्का मीडियम होता है, रेरर। ठीक है, डेंसर का मतलब भारी होता है, रेरर का मतलब हल्का होता है। अब जब लाइट ये आ रही है जी, लाइट, ये लाइट आ रही है, जब ये लाइट टकराएगी, अब हमें पता है जी यहाँ पर ये लाइट एंटर होनी है, अब लाइट एंटर हो रही है फ्रॉम रेरर टू डेंसर, यहाँ पर क्या है जी, देखो ये रेरर है, नीचे अंदर डेंसर है, तो लाइट जो है वो रेरर से डेंसर की तरफ जा रही है। अब जब ऐसा होता है तो लाइट की रफ्तार कम होगी, लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी में कमी आएगी। एक तो ये वेलोसिटी की बात हो गई, लाइट की रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी, हवा के अंदर लाइट की रफ्तार 3×10^8 है, ग्लास के अंदर लाइट की रफ्तार कम हो जाएगी। अब आते हैं डायरेक्शन देखते हैं, तो ज़रा ये नॉर्मल बना लेते हैं हम, ये नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल आ गया ना, सरफेस का परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल कहलाता है, तो ये आपकी सरफेस हो गई, ये उसकी परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ये नॉर्मल हो गया। अब लाइट जा रही है, देखें ऐसे, लाइट तो ऐसी है, एक्चुअल पाथ लाइट का ऐसे है, लाइट देखें ऐसे जा रही है ना, ये लाइट जा रही है। अब जब लाइट रेरर से डेंसर में एंटर होती है, तो मैंने आपको क्या बताया, इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, तो ये लाइट का एक्चुअल पाथ है, ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी लाइट।
यानी कि लाइट ऐसे जाएगी, अब ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ठीक है, लाइट एक्चुअल में ऐसे जा रही थी, जैसे वो एक भारी मीडियम में एंटर हुई, नॉर्मल की तरफ देखें बैंड हो रही है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ये ट्रेंड देखा जाता है जब लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही होगी, हल्के से भारी मीडियम में जब लाइट एंटर होगी तो उसकी रफ्तार, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और डायरेक्शन का क्या मामला होगा, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जरा नीचे आते हैं जी, अब ये अब यहाँ से भी लाइट जो है वो बाहर निकलेगी, एयर के अंदर आएगी, एयर हम जानते हैं कि एक रेयर मीडियम है, एयर क्या है, एक रेयर मीडियम है, एयर है बाहर और एक रेयर मीडियम है, तो अब लाइट जो है वो एक बाहरी से हल्के मीडियम की तरफ आ रही है, इट इज मूविंग नाउ फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ऐसी सिचुएशन के अंदर लाइट की जो रफ्तार है वो इंक्रीज होती है, लाइट रफ्तार पकड़ लेती है और जो लाइट है वो बैंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो अब यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जी, ये आ गया नॉर्मल। अब लाइट का एक्चुअल पाथ क्या बनता है, देखें ये आ रही है लाइट, ये आ रही है, तो एक्चुअल पाथ लाइट का बन रहा है ये बन रहा है, लेकिन लाइट जो है वो नॉर्मल से अब दूर जाएगी और लाइट जो है वो नॉर्मल से देखें दूर हो गई ना दूर, लाइट नॉर्मल से और बाहर की तरफ निकल गई, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सारा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, मैं कहता हूँ इजी इजी टॉपिक नहीं होता है, कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जहन में डालनी पड़ रही हैं यहाँ पे। तो दोबारा सुनिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराएगी तो लाइट उस मीडियम में एंटर हो जाती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम जहन में रख लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसे मीडियम को कहते हो जिसकी कोई भी, इस पर कोई कलर नहीं हुआ होता, कोई कोटिंग नहीं चढ़ाई हुई होती, बिल्कुल आर पार दिख रहा होता, उसको आप ट्रांसपेरेंट कहते हो। तो जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराती है तो लाइट उस मीडियम में एंटर हो जाएगी, ठीक है, एक बात। फिर जब लाइट किसी मीडियम में एंटर होती है ना, तो उसकी वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन दोनों में फर्क आता है। क्या फर्क आएगा ये जहन में बिठा, जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, यानी हल्के से भारी की तरफ आ रही होती है, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी और वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। ये देख लीजिए, लाइट आ रही थी, न्यू जा रही थी लाइट, नॉर्मल की तरफ ऐसे बैंड हो गई, ऐसे नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, देखें, ठीक है, जहाँ नॉर्मल होगा नॉर्मल के और करीब हो जाती है। इसी तरीके से अगर लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही होती है, यानी एक बाहरी मीडियम से हल्के मीडियम की तरफ जा रही होगी, तो फिर लाइट की रफ्तार बढ़ती है और लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो ये लाइट की एक्चुअल पाथ था, ये लाइट का एक्चुअल पाथ था, ऐसे आनी चाहिए, आनी थी लाइट को, लेकिन नॉर्मल से दूर हो गई, देखें नॉर्मल से काफ़ी दूर हो गई, ठीक है, और लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर होकर बाहर निकल गई। तो इस चीज को, इस फिनोमिना को आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो दूसरा फिनोमिना पढ़ा है हमने, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, इस चैप्टर में हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा क्योंकि थोड़ा सा रिपीट करना जरूरी हो जाता है यहाँ पे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन है एल वाला रिफ्लेक्शन, कि अगर लाइट एक कोटेड पॉलिश सरफेस से टकराएगी, लाइट कोई एंटर वेंटर नहीं होगी, इट विल नॉट एंटर इन टू द मीडियम, वो शीशे के अंदर एंटर नहीं होगी बल्कि वो उसी मीडियम में घूम जाएगी, ठीक है। या आपके पास एक ऑब्जेक्ट, ये उसकी कोटेड सरफेस, सामने पॉलिश, तो लाइट जब एक ऐसे सरफेस से टकराएगी तो एंटर नहीं होती है, वापस मुड़ जाती है, जिस रास्ते आई है उसी रास्ते निकल गई, इसको तो आप कहते हो रिफ्लेक्शन। और लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर से टकराती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है ये, एक आपके पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो जब लाइट इससे टकराएगी लाइट इसमें एंटर हो जाएगी, ये लाइट आ रही है, लाइट जब टकराएगी लाइट अब इसमें एंटर होगी, और जब लाइट एंटर होगी तो उसकी वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन दोनों में फ़र्क आएगा। डायरेक्शन का फ़र्क जरा मायने रखता है, तो डायरेक्शन का फ़र्क क्या आएगा कि ये आपके पास है रेयर, ये आपके पास है डेंसर, तो जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो नॉर्मल से करीब हो जाएगी, ये नॉर्मल है, ठीक है जी, लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, नॉर्मल से करीब हो गई देखें, और लाइट अब ऐसे मुड़ गई, ये इसकी डायरेक्शन में फ़र्क आ गया, लाइट को जाना ऐसे था, नॉर्मल के करीब आ गई, थोड़ी सी मुड़ गई नॉर्मल की वर्ड, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। और अगर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही होगी तो ये रही लाइट, ये रहा इसका नॉर्मल, ये रहा इसका नॉर्मल, ठीक है, लाइट ऐसे जा रही है,
ऐसे जा रही है लाइट, ठीक है जी, ऐसे जा रही है ना लाइट, ये इसका एक्चुअल पाथ बन रहा है, तो लाइट नॉर्मल से और दूर हो जाएगी, ये लाइट निकल जाएगी, ये लाइट आई, ये थोड़ी सी बैंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बैंड हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, यहाँ नॉर्मल के करीब आई है और यहाँ नॉर्मल से दूर गई है, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। इसमें कोई सवाल है तो माइक में आपका खोलूंगा, आप मुझसे पूछिएगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, इसको मैं मज़ीद कुछ डालूंगा एंड में तो दिमाग और मेरा भी घूमना शुरू हो जाता है। कोई माइक माइक खोले अनिशा बेटा, सवाल है तो पूछिएगा जल्दी से। कोई सवाल निशा? चैट पे लिख दिएगा अगर आपकी आवाज माइक से नहीं चल रहा। समंदर की आवाज आ रही है मुझे तो, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।